वर्धा जिले के सावंगी में के पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए 5,47,500 रुपए कीमत का शराब का जखीरा जब्त किया। सावंगी में गए पुलिस थाना द्वारा की गई कार्रवाई में 5,47,500 रुपए कीमत का शराब का जखीरा जब्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय गुना शाखा वर्धा के दल को यह खबर मिली कि सफेद कलर की मारुति सुजुकी वैगन आर क्रमांक MH32AH4158 में रविंद्र देवकर वृंदावन नगर निवासी अवैध देशी शराब को लेकर सावंगी आने वाला है। पुलिस ने रत्नापुर फाटे के पुलिया के पास जाल बिछा कर रखा था। जैसे ही वैगन आर आने की सूचना मिली, पुलिस दल ने वैगन आर को चालाकी से रोका। कार की तलाशी लेने पर पिछली सीट एवं डिक्की से 180 ml की 170 बॉटल्स एवं 180 ml के रॉयल स्टेन कंपनी के 78 बॉटल्स, ओसी ब्लू कंपनी के 72 बॉटल्स, कार सहित कुल 5,47,500 रुपए कीमत का जखीरा जब्त किया। वाहन चालक विनोद वसंतराव देवलीकर को हिरासत में लिया गया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बसवराज तेली, अपर पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे, पुलिस हवालदार सलाम कुरेशी, स्वप्निल भारद्वाज, कुणाल हिवसे, जगदीश डफ, प्रदीप वाघ, मनीष श्रीवास ने की। वर्धा से हमारे विशेष संवाददाता इकबाल शेख की रिपोर्ट।